रियान इंटरनेशनल की पहली वर्षगांठ पर सैकड़ों लोगों का सम्मान। डायरेक्टर आर्यन निषाद बोले, बनाएंगे 100 करोड़ की कंपनी। नवीमुंबई की एपीएमसी भाजी मंडी की मशहूर कंपनी रियान इंटरनेशनल ने आज अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर कंपनी से जुड़े सैकड़ों व्यापारियों, सप्लायरों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। स्नेह मिलन और सम्मान समारोह में एपीएमसी के पूर्व संचालक शंकर पिंगले खास तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने रियान इंटरनेशनल के संचालक राम नयन निषाद और उनकी टीम के कामकाज और उपलब्धियों की सराहना की और भविष्य में प्रगति के लिए शुभकामनाएं भी प्रदान की। रियान इंटरनेशनल का 1 साल पूरा हो गया है। उन्होंने मार्केट में नौकरी के बाद बिजनेस किया, उधर दुकान लिया, अब उधर सुरन भोपले का एक अच्छा व्यापार कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने एक एक्सपोर्ट का काम चालू किया और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज मैं देखा कि सब वेंडर इधर थे, उनको हेल्प करने वाले उनके हेल्पर थे और वो सबका ख्याल रखते। मैं इतना ही कहूँगा कि इनका बिजनेस अच्छा आगे चल के अच्छा चलता रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक अच्छा बिजनेस ज़रूर करेंगे और मैं उनको इस बिजनेस के लिए और 1 साल पूरा होने के लिए मन से शुभकामना देता हूँ। संगीतमय भजन कीर्तन से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम में रियान इंटरनेशनल के डायरेक्टर राम नयन निषाद ने कंपनी की स्थापना और अब तक की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए इसे अगले साल तक 100 करोड़ की कंपनी बनाने का संकल्प दोहराया। साथ ही सभी से सहयोग का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हम कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं और इस सफलता को आगे भी जारी रखेंगे। मैं वर्कर के लिए ही सम्मान समारोह रखा है। यहाँ हमारे जो वर्कर है, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो खुशी रहें, उनका टाइम पर उनका तनख्वाह मिले, उनका सारी चीज़ की सुविधा हो, ये मेरी सोच है। और हमारे जो सहकर्मी हैं, कंपनी का अच्छा व्यवसाय उनके साथ में सपोर्ट करते हुए जो व्यवसाय हुआ, हमारा व्यवसाय अच्छा हो और साथ में हम लोग जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी हैं तो सर्वोपरि राष्ट्र होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अभी हम लोग व्यवसाय करते हैं, टैक्स भरते हैं, उससे राष्ट्र को मदद होती है और जो बाहर व्यवसाय विदेशों में व्यवसाय करते हैं तो उसका एक डॉलर्स आते हैं, उससे देश को भी मदद होती है। तो मेरी इच्छा है कि आगे ऐसा आप लोगों का आशीर्वाद रहे, हमारे वर्कर हमारे साथियों का सपोर्ट रहे, साथ मिले और कंपनी को ऊँचाइयों तक लेके जाएँ, हमारे देश का नाम, हमारे देश का झंडा, हमारे भारत का, हमारे इंडिया का झंडा कई देशों में हो और कई देशों में लहराए, ये हमारी इच्छा है। बता दें कि रियान इंटरनेशनल के इस वर्षगांठ सेलिब्रेशन कार्यक्रम में मंडी से जुड़े एक्सपोर्टर, सप्लायर, किसान, व्यापारी और बैंकिंग और बाजार से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने सत्कार के बाद रियान की प्रगति के लिए बधाइयां दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।